Hello beautiful people, welcome to my channel and welcome to Python programming course for beginner. मेरा नाम इकबाल है और मैं पिछले कोई दो साल से Python programming में काम कर रहा हूँ. तो इस वीडियो सीरीज का मकसद ये है कि आप लोगों को एक तो Python programming की basics सिखाई जाए और दूसरा आप लोगों को programming की basics सिखाई जाए ताकि आप अपना future में कोई अच्छे अच्छे काम कर सकें. तो पाइथन प्रोग्रामिंग इस वजह से सिखाई जा रही है क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग दुनिया की सबसे आसान तरीन लैंग्वेज है. इसको आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो और दूसरा ये है कि ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है. दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो हैं, जिसको हम आजकल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, वो उनका स्टार्टअप बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग के ही थ्रू हुआ है. तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है YouTube की. तो जनाब YouTube की जो प्रोग्रामिंग की गई है वो पाइथन में की गई है, ठीक है. और दूसरी एग्जांपल है Google. Google को डेवलप किया गया है पाइथन में और C++ में. जो Google के सर्चिंग के एल्गोरिदम्स हैं वो C++ में डिजाइन किए गए हैं और जो इसका इंटरफेस है और बाकी स्क्रिप्टिंग है वो पाइथन में की गई है. और इसके साथ अगली एग्जांपल है इंस्टाग्राम की. तो जनाब इंस्टाग्राम भी पाइथन में ही डेवलप की गई है और आगे पिंटरेस्ट ये भी पाइथन में डेवलप की गई है. इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे जो आज ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं वो पाइथन में ही डेवलप की गई हैं. तो इससे आपको पाइथन की अहमियत का अंदाजा हो गया हो. टाइम जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं. तो पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में आप लोगों को दो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे. एक तो पायचॉम जो कि एज आईडी यूज करेंगे हम लोग और दूसरा पाइथन का इंटरप्रेटर जो कि एज इंटरप्रेटर यूज करेंगे. तो पायचॉम मैं यूज कर रहा हूँ. अगर आप कोई और आईडी यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. इसके दो वर्जन अवेलेबल हैं, एक प्रोफेशनल वर्जन है और एक कम्युनिटी एडिशन है. कम्युनिटी एडिशन जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए होता है जो कि लाइट वेट भी है. तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कम्युनिटी एडिशन ही यूज करें क्योंकि ये ओपन सोर्स भी है और फ्री भी है. तो मैं इस टाइम इसको डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. और इसका जो सेकंड सॉफ्टवेयर चाहिए होगा हमें वो एक है पाइथन इंटरप्रेटर. तो आप जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है इंटरप्रेटर का वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लें. तो जब अगर आप इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद आपके स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे ये आइकन शो हो जाएगा अगर आपने पाइचॉम इंस्टॉल किया है. तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें. जब ये ओपन हो जाएगा तो आपके पास इस किस्म की विंडो ओपन हो जाएगी. इसमें सबसे पहले आपके पास क्रिएट प्रोजेक्ट है और दूसरा आपके पास ओपन प्रोजेक्ट है. मतलब आपने अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं. तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स को वर्जन कंट्रोल पे डालना है, लाइक गिटहब SVN और इस किस्म के जो आपके पास वर्जन कंट्रोल के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आपने अगर उस पर डालना है तो उसकी सेटिंग कर सकते हैं. अगर आपने आईडी को कॉन्फ़िगर करना है इसमें, अगर आपने इंटरप्रेटर की सेटिंग करनी है या किसी और किस्म की सेटिंग करनी है तो आप इसी कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हैं. तो इसको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपके पास ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है. बस आपने ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं. तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें. आपने किसी और किस्म के प्रोजेक्ट नहीं बनाने इसमें. आप इस आईडी के थ्रू आप डायजेंगो, उसके बाद फ्लैश, गूगल ऐप इंजन, पिरामिड, वेब पाई 2, बहुत से प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं वेब से रिलेटेड. लेकिन हम अभी प्योर पाइथन में काम कर रहे हैं तो इसी वजह से प्योर पाइथन ही सिलेक्ट करने थे. तो इधर से आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दें, जो आपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है आप कोई भी नाम रख सकते हैं. लिखे जैसे मैं इसका नाम रख रहा हूँ प्रोजेक्ट 1, तो क्रिएट के बटन पर क्लिक कर दें. ये लेफ्ट साइड पे आपको प्रोजेक्ट 1, आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर विंडो में आपको शो हो रहा है. आपने इधर राइट क्लिक करना है और न्यू में जाना है और पाइथन फाइल पे क्लिक करना है. इधर आपने वो पाइथन फाइल जो नाम लिखना है, इधर आपने वो नाम लिखना है जो आपने पाइथन फाइल क्रिएट करनी है. तो अभी हमारे पास हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम इधर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड और ओके का बटन प्रेस कर दें.
तो इस किस्म की आपके पास स्क्रीन शो हो जाएगी, ये आपका कोडिंग एरिया है, ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपका जैसे कि टूल बार होती है, इसमें न्यू प्रोजेक्ट ओपन, ये इसमें मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स हैं, एडिट में आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं कोड लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोड कैसे काम कर रहा है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रिंट डबल कोट, और इसमें वो टेक्स्ट लिखना है आपने जो कि आपने स्क्रीन पे शो करवाना है या कंसोल पे शो करवाना है। तो इधर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली अब हम इसको रन करते हैं ताकि पता चले कि ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए आप रन में जाएं, रन के टैब में, इसके बाद रन पे क्लिक करें। तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी फाइल को रन करना है। तो इस टाइम हेलो वर्ल्ड डॉट पाई को में ही हम काम कर रहे हैं, तो हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखें आपकी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। बेसिकली ये आपका कंसोल विंडो है, ठीक है। और इसी तरह आप इसमें मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता दूं कि इस कोड का स्ट्रक्चर क्या है। प्रिंट प्रिंट जो बेसिकली ये एक कीवर्ड है, ठीक है। और ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये आपका वो टेक्स्ट है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, और ये जो ब्रेसिस हैं ये इसका सिंटैक्स है। तो आप भी ट्राई करें कुछ और लिख के, लाइक मैं इसमें कुछ और लिखता हूँ तो वो भी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो ये भी स्क्रीन पे हेलो ब्यूटीफुल पीपल प्रिंट हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स और यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं वो सीखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।